पिछले सत्र में नवाब के लिए खेले थे दिलशाद, कुछ अच्छी पारियां वहां पर उन्होंने खेली थी नवाब स्पोर्ट्स के लिए। अरुण राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हाफ वॉली डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर लेकिन रोक नहीं पाए, ऑकवर्ड बाउंस, चार रन। फील्डर भी वहां पर हैरान है कि ये क्या हो गया, आसानी से ऐसा लग रहा था कि रोक लेंगे, जिस तरह से गेंद उनकी तरफ बढ़ रही थी लेकिन जब उनके नजदीक पहुंची तो ज्यादा उछल गई ऑफ स्टंप के बाहर से, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, टाइमिंग शानदार थी। ये देखिए अतिरिक्त उछाल, ये तो बल्लेबाजों को भी परेशान करता है और फील्डर्स को भी। बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर साबित होता हुआ यूनाइटेड स्पोर्ट्स के लिए, स्कोर अब 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अरुण भोईर जिन्होंने हैट्रिक की थी मापोली ट्रॉफी में लेकिन यहां पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया अभी तक। अगली गेंद, इस बार तेज किया था, बाहर की तरफ निकाला थोड़ा सा, आउट स्विंगर बल्ले पर नहीं ले पाए, फिर से एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश दिलशाद की, एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए सलामी बैट्समैन दिलशाद। इस बार पुल किया है गेंद को लेकिन डीप में फील्डर तैनात है, मिसफील्ड दूसरे के लिए जरूर जाना चाहेंगे, इससे पहले कि थ्रो पहुंचे गेंदबाज के पास, दो रन पूरे, अभी भी एक गेंद शेष है इस चौथे ओवर में। चर्चा हो रही थी कि 50 के थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर रहेगा लेकिन अब यहां से 60 के ऊपर जरूर देख रहे होंगे, स्कोर इस समय 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, बहुत ही बड़ा मैच है। ओवर की आखिरी गेंद ओवर पिच लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए, ड्राइव लगाने की कोशिश चूके दिलशाद, अच्छा ओवर रहा यूनाइटेड स्पोर्ट्स के लिए, कुल मिलाकर 16 रन इस ओवर से आए 40 3 विकेटों के नुकसान पर, चार ओवर की समाप्ति, 40 लॉस ऑफ 3 विकेट्स यूनाइटेड स्पोर्ट्स। इसके बाद होने वाला मैच आज का चौथा मैच पायनियर स्पोर्ट्स और मैगी 11 ए के बीच में, दोनों भी टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए आना है, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। डीजे सुमित को आप देख रहे हैं, नितिन उनके साथ, छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर खेल का आनंद लेते हुए। डिप्टी मेयर ट्रॉफी आप देख रहे हैं 2017 भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम से सीधा प्रसारण। दस रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बनाए जा रहे हैं, 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर चार ओवर्स के बाद। जगदीश नाइक को फिर से याद किया है कैप्टन जयदास ने, इससे पहले एक ओवर किया था सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। स्लॉग गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, लालचंद तरे थे डीप मिड विकेट पर, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर, चौथा झटका यूनाइटेड स्पोर्ट्स को, 4 रन बनाने के बाद आउट हुए शोएब। महत्वपूर्ण विकेट यहां से दिलशाद का यहां से रहेगा, विद द टर्न खेला था, हालांकि गेंद की पिच तक पूरी तरह से नहीं थे इस बार, बहुत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 4 रन। दिलशाद अपने पूरे टच में नजर आते हुए, गजब का शॉट खेला था, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर था, उसको आसानी से क्लियर किया और 4 रन हासिल किए, टाइमिंग देखने लायक, अभी तक अपनी पारी में 3 चौके जड़ चुके हैं और एक छक्का दिलशाद।
फुल टॉस ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, थोड़ी सी ऊपर लगी थी बॉलर के पीछे। लॉन्ग ऑफ से आए फील्डर, जब तक थ्रो करते दो रन, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, तेज गति से रन बना रहे सलामी बैट्समैन दिलशाद अपनी टीम के लिए। स्कोर अब 46 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग की जमावट हम देखें तो एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, पॉइंट सर्कल के अंदर, ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। बल्ले का भारी सिरा, फ्लाई स्लिप में चली गई, कोई रन नहीं, रन लेने की वहां पर कोशिश भी नहीं की थी दिलशाद ने। खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का। इस बार शफल करते हुए खेलने का प्रयास, कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश, गेंद स्टंप्स और बल्लेबाज के बीच में से गुजरती हुई सीधे विकेट कीपर के पास, तेज किया था जगदीश नाइक ने, अच्छा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदों की रफ्तार में। इस बार बेहतरीन शॉट, बहुत ही गगनभेदी शॉट था, 6 रन, काफी दूर जाकर गिरी है गेंद स्टैंड्स में। बॉटम हैंड का उपयोग करते हुए दिलशाद एक लंबी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, 50 रन पूरे होते हुए यूनाइटेड स्पोर्ट्स के 52, 4 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 34 पर बल्लेबाजी कर रहे इस समय दिलशाद, अकेले योद्धा की तरह लड़ते हुए अपनी टीम के लिए। जगदीश नाइक अपने दूसरे ओवर में महंगे साबित हुए, एक सफलता जरूर उनके हाथ लगी, लेकिन 12 रन खर्च किए, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने, तो कुल मिलाकर दो ओवर में 16 रन और एक विकेट जगदीश नाइक के नाम। जयदास ने इससे पहले अपना कोटा पूरा किया था, वो भी थोड़े से महंगे साबित हुए, दो ओवर में 20 रन और 2 सफलताएं उनके नाम रही। यूनाइटेड स्पोर्ट्स की पारी की जब शुरुआत हुई थी तो 4 पर 2 विकेट गिरे थे, लेकिन वापसी बहुत ही शानदार की है दिलशाद ने। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ दर्पण आते हुए, पहली गेंद बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, घूमी थी गेंद लेग ब्रेक, बल्ले के किनारे को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास। इस बार अगेंस्ट द टर्न पुल और सक्सेसफुल 6 रन, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी लेकिन संपर्क बहुत ही बढ़िया, गेंद बल्ले पर क्या लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। इस मैच में लगने वाला कुल मिलाकर ये चौथा छक्का है, गजब की बल्लेबाजी यूनाइटेड स्पोर्ट्स की। काउंटर अटैक दिलशाद ने शुरू किया और अब कादिर भी अपने हाथ खोलते हुए, 6 रनों से उन्होंने अपना खाता खोला है। आउट होने वाले बल्लेबाजों में तारिक, रईस और मुदस्सिर, और चौथे बैट्समैन रहे थे शोएब, जिन्होंने 4 रन बनाए थे। मुदस्सिर कैप्टन ने 11 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इस पारी के हीरो अभी तक दिलशाद रहे हैं जो 34 पर खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक रेंज पर, 6 रन बनाकर कादिर स्ट्राइक पर, स्कोर 58, 4 विकेटों के नुकसान पर, एक चुनौतीपूर्ण स्कोर निश्चित रूप से बना लिया है। पटकी हुई गेंद काफी दिशाहीन, वाइड का इशारा अंपायर फारूक भट्टी द्वारा, स्कोर में इजाफा होता हुआ 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार देखना है बल्ले से है या नहीं, बेल्स वहां पर गिर गए हैं और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का, बोल्ड हो गए बैट्समैन। बहुत बढ़िया लेग ब्रेक गेंद, लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी और टर्न होकर अंदर की तरफ आई थी, लेग स्टंप पर जाकर टकराई, अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए कादिर 6 रन का योगदान देने के बाद पवेलियन की तरफ लौटते हुए, 59 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस समय यूनाइटेड स्पोर्ट्स।
आप देख रहे हैं इस समय डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अहमद स्पोर्ट्स की ओर से भिवंडी के उपमहापौर अहमद सिद्दीकी साहब की ओर से नो बॉल का इशारा, चक। गेंद को खेला है आउटफील्ड में, डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात। एक रन, तीन रनों की पेनल्टी मयूरेश स्पोर्ट्स को लगती हुई। चक घोषित किया है तीसरे अंपायर विलास जाधव ने, तो कुल मिलाकर चार रन स्कोर में ऐड होते हुए, एक रन बल्ले से और तीन रन पेनल्टी के। स्कोर अब 63, पांच विकेटों के नुकसान पर। 60 से अधिक रन जब बनते हैं तो अक्सर यहां पर माना जाता है कि स्कोर डेंजर जोन में जा रहा है। यहां से जितने भी रन बनेंगे यूनाइटेड स्पोर्ट्स के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा और दबाव में हो सकते हैं मयूरेश के बल्लेबाज। आज बहुत से खिलाड़ी भी, जो मेन खिलाड़ी है वो नहीं खेल रहे। टॉप एज, आसान सा कैच, दिलशाद लौटते हुए पेवेलियन की तरफ एक जबरदस्त पारी खेलने के बाद। 34 रनों की शानदार पारी खेली दिलशाद ने अपनी टीम के लिए। शुरुआत धीमी रही थी उनकी पारी की, लेकिन जैसे उन्होंने पहली बाउंड्री प्राप्त की थी उसके बाद पलटकर नहीं देखा था, धुआंधार बल्लेबाजी की। कुल मिलाकर अपनी पारी में दो छक्के और तीन चौके जड़े थे दिलशाद ने। 34 रन बनाकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ, 63 रन 6 विकेटों के नुकसान पर यूनाइटेड स्पोर्ट्स। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए मुजीब, अभी भी दो गेंदे शेष है इस पारी में। शॉर्ट ऑफ लेंथ, पुल किया है हवा में गेंद, लालचंद तरे वहां पर, कोई गलती नहीं डीप स्क्वायर लेग पर। एक और विकेट का पतन, ऊंचाई ज्यादा थी स्ट्रोक में, अंतर नहीं मिल पाया जो चाहिए था बाउंड्री को पार करने के लिए। बल्लेबाज के पास हालांकि कोई और चारा भी नहीं था, इस तरह का स्ट्रोक लाजमी था क्योंकि दो ही गेंदे बची थी। घूमते हुए पुल किया था, थोड़ी सी ऊपर लगी बल्ले के जिस वजह से ज्यादा देर तक हवा में रही थी। अच्छा कैच लिया लालचंद ने, दूसरा कैच इस मैच में लेते हुए लालचंद तरे। अगले मैच के टॉस के लिए तैयार रहना है टॉस बॉक्स में दोनों भी टीमों के कप्तानों को, पायनियर के कैप्टन और मैगी 11 ए के कैप्टन। आखिरी गेंद पारी की, बैकफुट पर खेले, आसान सा कैच, गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की और हैट्रिक यहां पर पूरी करते हुए दर्पण। बल्कि योगेश ने हैट्रिक पूरा किया है, दर्पण ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी आखिरी ओवर में, उनको चक दिया था। तीसरे गेंदबाज बने हैं हैट्रिक लेने वाले डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017 में। पारी की आखिरी तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को उन्होंने आउट करवाया, तो कुल मिलाकर 63 रन बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करने के बाद यूनाइटेड स्पोर्ट्स ने, और 64 रनों की चुनौती रखी है मयूरेश एंटरप्राइजेस के सामने मैच को जीतने के लिए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। आज का चौथा मैच खेलने वाली टीमें हैं पायनियर स्पोर्ट्स और मैगी 11 ए। टॉस के लिए टॉस बॉक्स में हमारे बीच रहेंगे मिस्टर कामरान और मिस्टर सरफराज, दोनों भी टीमों के कैप्टन हैं मेरे साथ। आशीर अंसारी पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन और मैगी जो कि मैगी 11 की कैप्टन है। टेल कहना है मैगी का लेकिन हेड आता हुआ। थैंक यू सर, दोनों भी मेहमानों से गुजारिश है आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। टॉस जीता है इस समय
पायनियर स्पोर्ट्स की कैप्टन आशीर ने। आशीर, अच्छा आयोजन यहाँ पर किया गया है, आप किस तरह से देख रहे डिप्टी मेयर कप 2017 को? बहुत अच्छा टूर्नामेंट माशाल्लाह की है, हाजी लोग ने बहुत मेहनत की है, माशाल्लाह बहुत मेहनत की है लोग ने, और इतने कम टाइम पे इतना अच्छा ग्राउंड सजा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ऐसा बहुत अच्छा, मजा आएगी खेलने। बाउंड्रीज को भी छोटा किया गया है, ये भी एक मुख्य बात है इस टूर्नामेंट की, क्या करना चाहेंगे, बल्लेबाजी पहले या फिर गेंदबाजी? फील्डिंग करना चाहूंगा। और मैगी इलेवन को कहाँ तक रोकने की कोशिश होगी? 55-50 तक रोकना चाहूंगा। टीम में कोई बदलाव किए आपने जो टीम मापोली ट्रॉफी में खेली थी उसमें? हाँ, आज फुल टीम है। और क्या लग रहा है इस सत्र में जो प्रदर्शन है टीम का, उसको आपने किस तरह से एनालाइज किया है, किस तरह से देखा है, क्या कुछ चेंजेस चाहते हैं टीम में आप? हाँ, टीम ये साल नहीं अच्छा खेल पा रही है, बट इंशाल्लाह ताला ये टूर्नामेंट से हम अच्छा खेलना चाहेंगे, और बहुत मेहनत की हम लोग ने कि हम लोग कैसे हार रहे हैं उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और बहुत मेहनत करके इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे मैच के साथ आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट आशीर। मेरे साथ मैगी है, मैगी इलेवन के कैप्टन। हाँ मैगी, टॉस महत्वपूर्ण था आपकी नज़र में? हाँ जी, हाँ बहुत महत्वपूर्ण था टॉस, और जो जीता उसके हिसाब से हम डिसीजन लेने वाले थे। क्या आप भी पहले क्षेत्ररक्षण करते? नहीं, हम बल्लेबाजी करने वाले थे। तो आपको तो बल्लेबाजी मिल ही गई है, 6 ओवर्स में बाउंड्रीज को देखते हुए, विकेट को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, क्या लगता है कि कौन सा अच्छा स्कोर रहेगा आपकी टीम के लिए? 60+ जाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने भी एक अच्छी टीम है, तो हम कोशिश करेंगे 60+ जाए। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपकी टीम आई है? हाँ। और ये बताइए, टूर्नामेंट आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? कल से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, काफ़ी अच्छे मुकाबले भी देखने को मिले अभी तक। बहुत अच्छा काम किया हाजी भाई ने, और यहाँ पर जो प्रोग्राम अरेंज करा के, और जो इस स्टेडियम पे जितना भी मतलब खेलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, और हर एक ऑर्गेनाइजर अच्छी अच्छी से अच्छी यहाँ पर अपना 100% देता है। आप किसी स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे इस मैच में? हमारे पास आकाश है, उसको जाएंगे, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द बेस्ट मैगी। So, news from the toss, Pioneer Sports won the toss and they will be bowling first. Back to commentary box. Thank you, Ajay Garat. The next match, biggest match of the afternoon between Pioneer, Ahmed Faki Fam team and Maggie 11. What a magnificent batting from United Sport made 63 runs and target is 64. What a inning played by Dilshad, who made 34 runs. Back to cricket now. Good afternoon everybody, wherever you are, those are watching on television set on Triple S, those are watching on SMP 997, those are watching on DAN 884, and those are watching on YouTube, and those are watching from the ground. Welcome everybody from Ahmed Siddiqui, the deputy mayor of Bhiwandi Municipal Corporation, son of Ahmed Siddiqui, Amir Siddiqui. The event managed by one-man show, Hamid Sheikh, MNS vice president of Thana district, and organizing committee, Haji Sheikh, Irshad Qureshi, Akil Ansari, Raju Momin, Mohsin, Kasim Babu, Ahmed Sport, Sunny, Vivek, Nasir, Bablu, Akbar, Wasim, Latif and Ishtiaq, and well supported from Burak Welfare Society, the President Shafi Sayyad, Anjuman Sports and Niyal Sheikh, Ahmed Sports and Pioneer Sports and Altaf Bali. Next match, Pioneer won the toss, they choose to the field first. Mehboob Ghori with us, or Rajasthani Ghori farmhouse, Ghori farm proprietor. Welcome Mehboob Ghori. So back to cricket now. Two openers on the ground. Lakchan Tare is the best batsman of the tournament in Anjuman Trophy, 84 runs he made. First ball, Beamer. Ball is travelling to fly slip, inner edge of the bat, and with the stroke, batsman through for one. Beamer signal from umpire, free it in favor of Mayur AC Sports. One for no wicket, batsman to follow, wonder boy of Bhiwandi, Jagdish Naik,
is the informed player in this season, including 10 top batsmen. But Bilal Sheikh ranking on number 1 and Nandan Patil on number 2. This time swung, mighty blow, massive 8 for 6. What a magnificent stroke from Darpan. Off the mark with 6 and his score is 8 without loss. Next match, Poinier won the toss. They decided to field first, and from 17th of February, the Bali Trophy in a different style. 8 open teams. So 8 for no wicket. Very poor start from Rice. Beamer 1 and in free it, Darpan clear the mid wicket boundary. Here we watch Rice turn from VIP end, facing him batsman Darpan. This time try to max room. Darpan, please, no indication for umpire. That was a wide half volley. Batsman looking for a try in his crease box. No foot movement. Right decision from umpire Koti. Inside the line. This time try, baller back drive. Long on in action. In comes return. Finally, batsman settle for one. His score was up to 9 for no wicket. You are watching Cricket Endless, Deputy Mayor Cup 2017. Here we go. This time, dead ball signal from umpire. His score is 9 for no wicket because Darpan is in front of bowler, and bowler Rice bowling right arm over the stumps. This time awkward looking stroke, could be out. Yes, Lalchan on his way. Wasn't a wicket delivery, but batsman gets a wicket. Look at that, top of the bat, unconventional flick stroke, wasn't a wicket delivery, but Rice gets a wicket. Lalchan Tare disappoint there, set back to the pavilion for one, and Mayuresh Sport 9 for the loss of one wicket. First mandatory power play going on, chasing a target of 64. Yogesh claimed the hat-trick in previous inning. Upcoming, the third bowler who claimed the hat-trick in Deputy Mayor Cup 2017. A lot of time took by these two batsmen. Here goes Price. This time, SRNI down the ground, one bounce, cross the long off boundary for 4. Lovely looking drive from Arun down the ground, straight bat overhead of mid off, taking his chances, over goes the mid off, one bounce cross the boundary for 4. Rice goes to Darpan. This time what a shot, but straight to long on. Any style of George Bailey punched that ball, but there is the white long on. Captain is there. Oh, no mistake made at all. And finally, Darpan on his way. Hum, 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 hum.
पहला विकेट गिरता हुआ और स्कोर है इस वक्त 13 रन, 13 रन दो विकेटों के नुकसान पे एक ओवर की समाप्ति के बाद। 64 का पीछा कर रही है, बहुत खराब गेंदबाजी रही थी मयूरेश की। अगर हम योगेश को निकाल दें, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए योगेश जिन्होंने हैट्रिक किया था, अगला मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं, पॉइनियर बनाम मैगी, उसके बाद एनआर बनाम विहान साई मीवान और उसके बाद आखिर में प्रिंस मोइस बनाम विनेन स्पोर्ट। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए रियाज को बुलाया गया है। अच्छी गेंद कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद थी, कट के बाहर की जानिब कौन बना रही थी, 13 रन दो विकेटों के नुकसान पे। रियाज हाजी समरसेट स्टैंड एंड की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा ज्यादा बाहर कटी वाइट, 14 पे पहुंचा स्कोर। इस मरतबा चाइनीज कट लगा था, लेमन कट, गेंद विकेट कीपर के पास गई, कोई रन नहीं। कहीं ना कहीं मयूरेश की जो कमजोर आज की टीम है उसका अच्छा फायदा उठा रही है यूनाइटेड स्पोर्ट, और उन्हें भी पता है कि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। रियाज इस मरतबा स्लॉग किया है, आउटफील्ड में खिलाड़ी है अरुण आउट। आउट होके जा रहे अरुण, दूसरा झटका लगता हुआ 13 के योग पर। इसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला आज का, जहां पर मैगी के लिए जहां मयूर बहुत अच्छे फॉर्म में, आकाश फॉर्म में, वहां पर आशीर और माजिद बोबड़े पाइनियर के लिए अच्छा खेल रहे। आशीर जो कि टॉप 10 इनफॉर्म बैट्समैन में, नए बैट्समैन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक, अंजुमन ट्रॉफी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, विरेन स्पोर्ट्स के सलीम भी हमसे जुड़ते हुए। स्कोर है 13 रन और विकेटों को हम देखें 14 रन तीन विकेटों के नुकसान पे। अब ये जोड़ी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कठिनाइयों में जरूर है मयूरेश स्पोर्ट्स। गेंदबाजी कर रहे हैं रियाज, सामना करेंगे बैट्समैन योगेश। योगेश ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक किया था, चकमा खा गए बैट्समैन, हवा में भी बीट हुए और ऑफ द विकेट भी बीट किया उन्हें। योगेश सामना कर रहे हैं रियाज का, स्मर्तबा हवा में खेला आउट, स्ट्रोक को चेक किया था, ऑफ्रिक गेंद थी, गूगली किया था वहां पर और बड़ी विकेट गिरती हुई, 14 विकेट गिर रहा है। 13 का जो आंकड़ा है वह अब अशुभ साबित होता हुआ मयूरेश के लिए, 14 का 14 विकेट। ये देखिए गूगली किया था वहां पे, थोड़ा सा ऑफ्रिक किया था और अपने स्ट्रोक को चेक किया था, आउट हो गए बैट्समैन, सॉफ्ट डिसमिसल।
बल्लेबाजी को जा रहे हैं टीम के कैप्टन जयदास उदास कदमों से। जहीर भी हमसे जुड़ते हुए, तेज गेंदबाज एनआर के, सलीम वीरेन के जुड़ते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, धीमी गेंदों का अच्छा उपयोग किया है नई टीमों ने। अंधाधुन बल्ला चला दिया, बच गए जगदीश नाइक। गेंद बल्ले के करीब से होते हुए विकेट कीपर के पास, ओवर समाप्त होते हुए दो और 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर में 50 रन चाहिए, इसका मतलब है 12.50 का स्कोरिंग रन रेट। कह नहीं सकते हम, आज बड़ी टीमों की खैर नहीं लग रही है। मैगी भी बाहर गई, इसके बाद पॉइनियर बनाम मैगी, उसके बाद एनआर बनाम साई विवान, और उसके बाद प्रिंस मूवीज बनाम वीरेन स्पोर्ट। कल 16 तारीख है, कल पहला मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। निलेश देसले फैम टीम बंटी स्पोर्ट और पंडित गायकॉट फैम टीम पीजी स्पोर्ट मापोली। समय में सहयोग करना है आपके, 3 ओवर 2 ओवर के लिए 14 मिनट जा चुके। कल दूसरा मुकाबला रहेगा तकवीम आजमी स्पोर्ट्स और विहान मित कुमार दिनेश चौधरी फैम टीम और तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू फैम टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा इनको लिफ्ट कर दिया है। ओहो, ये कैच महंगा पड़ सकता है जयदास का, क्योंकि इस स्थिति में अगर विकेट जाता तो फिर दबाव में बहुत आते जगदीश नाइक। जी हाँ बिल्कुल, और वैसे भी क्रिकेट में अक्सर हमने देखा है कि हर एक कैच लेना जरूरी होता है यदि मैच को जीतना है तो। और कल दोस्तों तीसरा मुकाबला रहेगा शरद वीर फैम टीम जय भोलेनाथ स्पोर्ट और इरफान भूरे फैम टीम वकी स्पोर्ट मापोली। फुल टॉस गेंद, भेज दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जगदीश नाइक को तो इस तरह की गेंदें आप नहीं कर सकते हैं, जैसी गेंद वैसी नसीहत। YouTube पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है, आपको सिर्फ टाइप करना है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2016। धन्यवाद प्रिंस मूवीज। कल तीसरा मुकाबला वकी का रहेगा। इस बीच गेंद पैकलीफ को नीचा किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पे एक रन। देखना है कि कल एक तरफ आतिश पाटिल हैं तो एक तरफ आसिफ शेख हैं, एक तरफ अगर दीपक हैं प्रमोद हैं तो एक तरफ इरशाद अंसारी हैं। और कल देखना है कि क्या कहा था ना कि सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन शो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने इस मरतबा। आउट LBW, ये देखिए बच नहीं पाए, बैकलीफ नीचा रखा था, विक्टो के सामने आउट हो गए। अब मयूरेश स्पोर्ट्स कठिनाइयों में, ये देखिए जश्न, नई टीमें कितना अच्छा परफॉर्म करी। आइए देखते हैं किस तरह से उनको आउट घोषित दिया था अंपायर कोटी ने। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन, बहुत सुंदर रिप्ले, ये तो 100% आउट है। प्लम LBW जिसे कहते हैं, जहां पे कि 1% भी बैट्समैन के हित में नहीं जाता है। जी हाँ, ओवर पिच गेंद पर LBW हुए है, बिल्कुल क्रीज में ही खेल रहे थे स्टंप्स के सामने। कल चौथा मुकाबला आर्यन स्पोर्ट्स और मतीन स्पोर्ट्स मापोली के बीच में रहेगा। कल 3 मापोली की टीमें खेल रही, पीजी स्पोर्ट, वकी स्पोर्ट मापोली और मतीन स्पोर्ट, और बैक टू बैक 3 मैचेस में। कल जो पांचवा मुकाबला है वह है मराठा पंजाब और भिवंडी टाइगर्स, योगेश भोईर फैम टीम और विलास आर फैम टीम।
इस बीच अगेन बैकलिफ को नीचा किया, ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे, एक रन। अब जगदीश नाइक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। कल छठा मुकाबला रहेगा संजू मात्रे फैम टीम हंसिका स्पोर्ट और पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश इलेवन। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, चार रन। क्या शॉट खेला है जगदीश नाइक, वंडरफुल स्ट्रोक प्लेड बाय वंडर ऑफ पीएनडी जगदीश नाइक। इस तरह के जो शॉट्स रहते हैं ना अजय करत, वो आंखों में जज्ब होते हैं, जाजिबुल नजर स्ट्रोक। जी हाँ, आंखों को सुकून देने वाले स्ट्रोक। वैसे भी क्लास कभी मरता नहीं है, ये फिर से साबित होता हुआ। जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, और वैसे भी वो तो इनफॉर्म बैट्समैन है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से चॉप किया था, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर फ्लैशी चॉप स्ट्रोक, चार रन, तीन ओवर 27 रन। मुकाबले में अब जान बाकी है, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर नजर आ रहा है। देखना है क्या कुछ होता है अगले तीन ओवरों में। हालांकि चुनौती अभी भी कठिन नजर आ रही है, लेकिन जब तक जगदीश नाइक क्रीज पर रहेंगे आशाएं जरूर बरकरार रहेगी मयूरेश एंटरप्राइजेस की। सत्ताईस बने हैं, 37 चाहिए बचे हुए तीन ओवर्स में, 12.33 का आस्किंग रेट प्रति ओवर। रियाज आक्रमण जारी रखते हुए, रईस ने अपना कोटा पूरा किया। रईस हालांकि काफी महंगे साबित हुए, 28 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन रियाज ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, एक रन देकर दो सफलताएं प्राप्त की थी। बल्ले से कोई भी रन उनके ओवर में नहीं बनाता, वाइड के रूप में रन बना था हाजी समझ से ट्रेंड से। स्ट्राइक पर है इस समय सोनू, स्लॉग करने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए। जगदीश नाइक खुश नहीं है अपने बैट्समैन से, जिस तरह से शॉट उन्होंने खेला था। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास। समय का पूरा ख्याल रखना है। पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर यूनाइटेड स्पोर्ट्स को, और तीसरी ऑफिशियल वार्निंग में तीन रन का पेनल्टी हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि आज एक टीम खा के रहेंगी पेनल्टी। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट रियाज, इस बार आगे रखा था, हवा में गेंद और आउट, आसान सा कैच कवर्स की तरफ। एक और बड़ा धक्का लगता हुआ मयूरेश को। आपको अजय करत लग रहा है कि मयूरेश स्पोर्ट्स खेल रही है, जिसने एनआर टीम का सपना बिखेर दिया था एमजे ट्रॉफी में। मयूरेश की मैं यही चर्चा करने वाला था। विकेट देखिए, आसान सा कैच था कवर पॉइंट फील्डर के लिए। हमने देखा कि मापोली ट्रॉफी में भी आधी अधूरी टीम ही पहुंची थी ग्राउंड पर, और वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर भी उनके बहुत से खिलाड़ी पहुंचे नहीं है, तो कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ऐसे खिलाड़ियों को जिनके पास ज्यादा मैच प्रैक्टिस नहीं है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है इस मैच में मयूरेश को। नए बैट्समैन संदीप, बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन, अपील वहां पर और उंगली ऊपर, एक और झटका। जगदीश नाइक सोच रहे हैं कि जो आ रहा है वो जा रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए बैट्समैन, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है, देखना चाहेंगे हम। ये देखिए फ्लाइट दिया था वहां पर, और बल्ले को नी की छूने के बाद शरीर से छूती हुई विकेट कीपर के पास। शानदार गेंदबाजी रियाज की। आज हमने देखा है कि जो भी गेंदबाज मिश्रण कर रहे अपनी गेंदों में, विविधता ला रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। पिछले मैच में उमर खान ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया था, ऑफ कटर लेग कटर दोनों भी डाल रहे थे। ये बात तो सही है कि युवा टीमों ने सीखा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीम है वो सीख नहीं पाई है विकेट के मिजाज को। जी हाँ, आज जयदास भी महंगे साबित हुए, अरुण
एक ओवर किया, उन्होंने 16 रन खर्च किए। अनुभवी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। नए बैट्समैन दीपेश, हैट्रिक का मौका है रियाज के पास। 3 गेंदबाज अभी तक हैट्रिक कर चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंद, बाल बाल बच गए वहां पर बैट्समैन। पूरी लंबाई की गेंद थी, लेट हो गए थे स्ट्रोक में, ऑफ स्टंप के नजदीक से गुजर गई थी। नहीं, यहां से घर वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। हालांकि जगदीश नाइक जब तक वहां रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो दबाव बना है उससे उबर ही नहीं पा रहे मयूरेश के बल्लेबाज। एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा है इस समय बल्लेबाजों को। इस बार लेग स्टंप पर आ रही थी गेंद, हल्के से टर्न कर दिया उसको, वेरी शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, एक रन के लिए। इस ओवर में बनने वाला ये पहला रन, स्कोर 28 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 3 विकेटें हाथ में है, कुल मिलाकर 13 गेंदें बची है और 36 रनों की जरूरत। सारी उम्मीदें अब जगदीश नाइक से कहीं ना कहीं। ओवर की आखिरी गेंद, देखा परखा, जाने दिया उसको, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। सिर्फ एक रन खर्च किया और 2 सफलताएं प्राप्त की, रियाज का कोटा समाप्त हुआ। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा कटी थी, यही कारण था कि फारूक पार्टी ने उसे वाइड घोषित नहीं किया। अच्छा फैसला, गेंद लाइन के अंदर से जाकर विकेटों के पीछे ज्यादा कटी थी, सही निर्णय अंपायर बर्डी का। ये देखिए, गेंद विकेटों के पीछे ज्यादा स्विंग हुई थी और पीछे स्विंग होती है तो वो सही निर्णय अंपायर का। 4 ओवर 28 रन। एक बात है कि 3 स्पॉन्सर हैं जिनकी 2-2 टीमें खेल रही और तीनों आज खेल रही। बी तो बाहर चली गई, मैगी भी, मयूरेश कठिनाइयों में, महेंद्र आगे बढ़ गई है, मराठा पंजाब खेली नहीं और साई विवान को अगला मैच खेलना है। 12 गेंदों में अब 36 रन चाहिए। शानदार गेंदबाजी रियाज की, 2 ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 4 सफलताएं प्राप्त की। एक गेंदबाज इससे अच्छा और क्या दे सकता है अपनी टीम को। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, मुदस्सिर की पहली गेंद, फुल टॉस, ड्राइव किया उसको वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है, केवल 1 रन। इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है, हालांकि यहाँ पर रणनीति समझी जा सकती है, जगदीश नाइक को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश, जिसमें सफल हुए दीपेश। 11 में 35 चाहिए। लॉफ्टेड शॉट, फील्डर बाउंड्री पर, लेकिन उसके ऊपर से 6 रन। वंडरफुल शॉट, वंडर ऑफ प्योरली जगदीश नाइक का। ये ऐसे बैट्समैन है जो अकेले के बलबूते पे भी मैच जीता सकते हैं। ये देखिए, हालांकि इतना ताकतवर स्ट्रोक नहीं था और बल्ले के नीचे गेंद लगी थी, कोशिश भी बढ़िया की थी वहां पर, लेकिन वो जो कहते हैं कि सर से गेंद ऊपर चली जाए या पानी, दोनों सूरतें अच्छी नहीं होती। जी हाँ, स्थिति तो डूबने वाली ही बनती है। बैकफुट पर वजन लिया था वहां पर बैट्समैन जगदीश नाइक ने, पर्याप्त एलिवेशन मिला, फील्डर को पार किया उन्होंने, क्लियर किया, 6 रन हासिल किए। दूसरा छक्का जगदीश नाइक के बैट से निकलता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद, पुल, गैप में खेला हुआ शॉट, पहले बाउंस पर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। Nicely finds the gap very well, one bounce, cross the boundary for 4. Plenty of power behind the stroke and tremendous timing. What a shot. Score is samay 39 run 7 wicketon ke nuksan par. Abhi bhi 25 run chahiye 9 gendon mein. Deep extra cover ke fielder ne awaaz di thi wahan par. Wo apne position mein nahi the. Navid Babe humse judte hue aapka istiqbal hai. 39 रन, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है।
वन मैन आर्मी की तरह इस समय जगदीश नाइक, फुल टॉस लेकिन लेग स्टंप को मिस कर दी, हालांकि मौका गवाया, वहां पर रन नहीं लिया जगदीश नाइक ने। बिल्कुल नई टीमों का एक अंदाज बहुत अलग लग रहा है, 11 के 11 जो खिलाड़ी हैं वो सब अपील कर रहे हैं। शुक्र है कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में 12वें खिलाड़ी खामोश है। एक बार फिर से मुदस्सिर, ऊंची फुल टॉस, नो बॉल करार दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अब इससे कहा क्या कहा जाए, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। ये देखिए बीमर थी और उसे भेज दिया 6 रनों के लिए, कुल 7 रन बनते हुए। और क्या फिर से जगदीश नाइक ही जिताएंगे, जिस तरह एनआर के सामने उन्होंने जिताया था एमजे ट्रॉफी में। फ्री हिट है, बहुत ही अच्छा अवसर जगदीश नाइक के पास, धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास, उंगलियों को एक साइड में रखा था गेंद के। और बात यह है कि आपको सिर्फ गेंद थमानी है जगदीश नाइक अंपायर को, उसके बाद अंपायर फैसला करेंगे कि गेंद बदली जाएंगी या नहीं बदली जाएंगी। यूनाइटेड स्पोर्ट्स और जीत के बीच में रोड़ा बने हुए हैं जगदीश नाइक, 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल है। अंपायर ने गेंद बदलने की मांग की, जगदीश नाइक कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 27। जो टॉप 10 बैट्समैन इस वक्त चल रहे हैं इन फॉर्म, उसमें जगदीश नाइक का भी नाम है। जी हाँ, और अंजुमन ट्रॉफी में उन्होंने क्या बेहतरीन पारी खेली थी 33 रनों की एनआर के विरुद्ध। अब तक सिटी क्रिकेट में 9 अर्धशतक लग चुके हैं, 3 तो अकेले बिलाल शेख ने लगाए, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट। आठ गेंदे बची है, 18 रनों की आवश्यकता मयूरेश एंटरप्राइजेस को जीतने के लिए। और अब अगली गेंद फ्री हिट है, गेंद बदली जा रही है, 18 रन बन चुके हैं इस ओवर में। और ये मैच का अभी तक का सबसे महंगा ओवर। कमेटी की तरफ से एक अनाउंसमेंट सुनिए, दोनों टीमों को समय में कॉपरेट करना है प्लीज, क्योंकि आपके सहयोग से उप महापौर कप में 2 नहीं बल्कि 4 चांस लग जाएंगे। अभी भी काफी संघर्ष बचा हुआ है इस मैच में। पेवेलियन एंड से अगली गेंद लेकर मुदस्सिर, फुल टॉस, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात, बढ़िया फील्डिंग, रन नहीं लेना चाह रहे वहां पर जगदीश नाइक, स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं और सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है। ये दूसरी मर्तबा हमने देखा इस ओवर में, जबकि सिंगल बन सकता था लेकिन नहीं लिया। अब 7 में 18, हल्की सी शॉट पुल और पावरफुल 6 रन। ये कहते हैं बाजीगर बैट्समैन, उन्होंने उनको यकीन था कि वो एक कारनामा अंजाम देंगे। आपको तो पता है कि धनेश ने गोल्डन 6 से जो मुकाबला जीता था, बिलाल शेख ने रन नहीं लिया था और आपको पता है कि उसके बाद 3 पे 3 सिक्सर जड़ दिए थे भावेश पवार को। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट, बैकफुट पे चले गए थे, वजन को ट्रांसफर कर दिया, स्वंग कर दिया ऑन साइड में। ये पूरा ओवर बताया जा रहा है जिस तरह जगदीश नाइक ने खबर ली थी, 24 रन। मानो गेंदबाज कप्तान मुदस्सिर किसी मॉल में नजर आए। सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी में थे, 1 रन से पीछे रह गए। 5 ओवर की समाप्ति, 52 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। आपका भी सिल्वर जुबली साल है और बहुत से गेंदबाज ऐसे रहे इस सीजन में जिन्होंने सिल्वर जुबली मनाई है, उसमें अच्छे अच्छे गेंदबाज है। दूसरी ऑफिशियल वार्निंग यूनाइटेड स्पोर्ट्स के लिए,
12 रन चाहिए। अब ये जो फिगर है 12 का, ये बजने वाला फिगर है, कभी भी बज जाते हैं। तारिक के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है कैप्टन ने। कैप्टन तो काफी महंगे साबित हुए। अब जो भरोसा तारिक के कंधों पर उन्होंने सौंपा है, तारिक के ऊपर जताया है, देखना है उस पर किस तरह से उतर पाते हैं गेंदबाज। नजदीकी शतरक्षक इंतजार किया, कट बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, दर्शनीय शॉट। तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है। यहाँ पे जगदीश नाइक हाथ खोल रहे थे, हाथ खोल दिए। यहाँ पर 8 रन चाहिए बची हुई 5 गेंदों पे। लेकिन अगर जगदीश नाइक मैच फिनिशर बनते हैं तो उनकी खेली हुई बारियों में यादगार बारी रहेंगी। जब टीम काफी दबाव में हो और उसमें जो बैट्समैन खेलता है वही बैट्समैन बड़ा रहता है, इसीलिए तो उनको मैंने आज से लगभग 16 साल पहले वंडर ऑफ बीएनडी का खिताब दिया था। तारिक की अगली गेंद पंच किया है, डीप कवर में फील्डर तैनात है, केवल 1 रन, 1 रन से संतुष्ट है वहां पर दोनों भी बैट्समैन। स्ट्राइक जगदीश नाइक के पास। अब देखिए ना अजय करत, 4 टूर्नामेंट ऐसे है, एनआर की तरफ से आखिरी गेंद जावेद को ही खेलने मिली, 1 में गोल्डन 6 लगाया लेकिन वो भी मुकाबला बराबरी भी छूटा, हो जाता है कभी कभी। 4 में अब 7 रन चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में बहुत शानदार बल्लेबाजी की है जगदीश नाइक ने। खराब गेंद, सही नसीहत उसको देते हुए 6 रन, ये तो बहुत दूर गई है, मिडल ऑफ द बैट खेला है, बहुत दूर कहीं गेंद जाती भी। और फरजान हमदुल्ले ने इस वक्त SMS किया है कि वंडर ऑफ भिवंडी वंडरफुल इनिंग, इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, अपना पूरा अनुभव इस्तेमाल में लाते हुए केवल 1 रन दूर जीत से मयूरेश। इसके साथ ही मयूरेश स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन जगदीश नाइक, कांग्रेचुलेशन जयदास द लॉयन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे एंड हार्ड लक यूनाइटेड। गजब की बारी खेली, कुल मिला के कितने रन बनाए, 39 रन, यानी 40 प्लस या 40 के करीब, ये उनकी 7वीं इनिंग है इस सीजन में। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक। फारूक बर्डी भी उनसे हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि उनसे फारूक बर्डी ने भी आंखें मिलाई है क्रिकेट में। कई मरतबा उन्होंने जगदीश को आउट किया और कई मरतबा जगदीश ने फारूक की भी खबर ली। आइए वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक कम फॉरवर्ड प्लीज। नाइक आपको थोड़ा जल्दी आना है, क्या गजब की बल्लेबाजी की। अब अगर हम आकलन करें तो तीसरे या चौथे या पांचवे, ये जो टॉप 5 है इन फॉर्म बैट्समैन, उसमें अंडर 5 में जगदीश नाइक का समावेश होता हुआ। आइए हम आपको रिस्ट वॉच दे रहे हैं, अंजुमन के शहबाज शेख ने जो स्पॉन्सर किया और उसको देंगे। तेज गेंदबाज जाहिर, जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में पहला हैट्रिक किया था, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट पावर कप शेलार। अब महबूब गौरी उर्फ राजस्थानी, ये फेमस स्पॉन्सर हैं। महबूब गौरी उर्फ राजस्थानी आपको गिफ्ट एम्पर देंगे, जो हमें सलीम सिद्दीकी ने